मुजफ्फरनगर जिले में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से पैर पसार चुका है और आज भी 127 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। कोरोना का सबसे बड़ा हमला अस्थायी जेल कवाल पर हुआ है, जहां 20 बंदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें सीओ बुढ़ाना ऑफिस में तैनात 3 पुलिसकर्मी व 1 शाहपुर थाने का पुलिसकर्मी शामिल है। गांधी कॉलोनी में भी आज 5 कोरोना मरीज मिले हैं, लेकिन गांधी कॉलोनी के लोग अभी भी बिना मास्क के घूमते देखे जा सकते हैं। आज 65 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जिले में टोटल एक्टिव केस 1075 हो गए हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 364 कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 127 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना का सबसे बड़ा हमला कवाल स्थित जेल पर हुआ है, जहां से 20 बंदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सीओ बुढ़ाना के ऑफिस में तैनात 3 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और एहतियातन सीओ ऑफिस को बंद कर दिया गया। एक पुलिसकर्मी शाहपुर थाने का भी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिससे थाने में कोविड कैंप लगवाकर सभी के टेस्ट कराए गए। इसी प्रकार मोहल्ला गांधी कॉलोनी से आज 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि सुभाष नगर से भी 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी प्रकार ए टू जेड कॉलोनी से 2, साउथ सिविल लाइन से 3, गाजा वाली से 1, धर्मपुरी से 1, आवास विकास कॉलोनी से 1, सिविल लाइन से 4, रामपुरी से 1, कृष्णापुरी से 2, रामपुर तिराहे से 1, जैन मिलन से 2, द्वारकापुरी से 1, भरतिया कॉलोनी से 1, आर्य समाज रोड से 2, मंडी समिति से 2, मोहल्ला पारसनाथ से 1, कंबलवाला बाग से 1, महावीर चौक से 2, साकेत से 1, जाट कॉलोनी से 1, रामपुरी से 2, नई मंडी क्षेत्र से 1, आनंद विहार से 1, पटेल नगर से 1, नॉर्थ सिविल लाइन से 1, सर्वट रोड से 1, आदर्श कॉलोनी से 1, केशवपुरी से 1, प्रताप एनक्लेव से 1, भोपा रोड से 2, अग्रसेन विहार से 1, खालापार से 1, जानसठ रोड से 1, कृष्णापुरी से 1, प्रेम विहार से 1, घेरखत्ती से 1, मल्लूपुरा से 1, आनंदपुरी से 1, नई मंडी से 3, सदर बाजार से 2, आदर्श कॉलोनी से 1, गांधीनगर से 3, मेधाखेड़ी से 2, महावीर रेजिडेंसी से 1, खांजापुर से 1, सुरेंद्रनगर से 1, अलमासपुर से 2, शिवनगर से 1, मोरना से 1, भुप्पा रोहिड़ी से 1, छछरौली से 2, जानसठ से 1, मंसूरपुर से 1, भैंसी से 1, मीरापुर दलपत से 1, सोंटा से 1, खतौली से 1, मोहल्ला देवीदास से 1, नंगला पिथौरा से 6, बुढ़ाना से 1, दूधाहेड़ी से 2, कुटेसरा से 1, घिसुखेड़ा से 1, चरथावल से 1, बसी से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। आज 65 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक टोटल 2109 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और अब जिले में 1075 एक्टिव केस रह गए हैं। ताजा और तेज खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।